इन्फेक्शन टॉपिक जो मेडिसिन में है ना, तो पास्ट क्वेश्चन सब है इन्फेक्शन का जो पूछा गया है FMG में, उसका डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 462, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड प्रोग्नोसिस डिटरमाइनिंग स्टेप इन सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में सबसे पहले तो एडिक्वेट IV फ्लूइड देंगे, है ना, और 1 to 2 आवर में देंगे, है ना, IV फ्लूइड, क्योंकि क्रिस्टलाइट मेंटेन करने के लिए, है ना, और भैंस उसके बाद मैप मेंटेन करने के लिए मीन आर्टेरियल प्रेशर मेंटेन करने के भैंस प्रेशर देंगे। भैंस प्रेशर में क्या क्या देंगे, नॉर इपिनेफ्रिन। तो आंसर कौन सा हुआ, सी। रैपिड डायग्नोसिस ऑफ रैबीज इज मेड विथ स्किन बायोप्सी विथ फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग करेंगे। रिकरेंट नेजरिया मेनिनजाइटिस एपिसोड आर कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ। रिकरेंट नेजरिया मेनिनजाइटिस में है ना कॉम्प्लीमेंट डिफिशियंसी होता है, और कॉम्प्लीमेंट कौन कौन सा, C5 to C9 डिफिशियंसी होता है, डिक्रीज होता है ना। तो आंसर कौन सा हुआ, ए। इन फीवर अननोन ओरिजिन हाउ मेनी टाइम ब्लड सैंपल शुड बी ड्रॉन, 3 times। और अननोन फीवर ओरिजिन का जो डिफिनीशन है ये क्या होगा, फीवर जो रहेगा ना मोर और इक्वल टू 38.3 degrees Celsius और मोर देन 101 degrees Fahrenheit एटलीस्ट 2 consecutive और एटलीस्ट 2 occasion। एक ये हो गया है ना डिफिनीशन में। दूसरे में क्या हो गया, जो इलनेस का जो ड्यूरेशन है कितना हो जाएगा, मोर देन 3 weeks, है ना, और नो नाउन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। सो इसका ये डिफिनीशन हो गया, फीवर कितना होना चाहिए 38.3 degrees Celsius से ज़्यादा और ड्यूरेशन मोर देन 3 weeks, है ना, और कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट नहीं होना चाहिए, और सैंपल कितने लेंगे हम, 3 times। और 6 year चाइल्ड विथ लो ग्रेड फीवर 7 days ऑन एग्जामिनेशन ऑन इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड विद अ पैल्पेबल स्प्लिन टिप ही वाज द गिवन पेनिसिलिन दिया है बच्चे को, ऑन डेवलपमेंट ऑफ द एक्सटेंसिव रैश ऑल ओवर द बॉडी डिग्नेसिस। जब पेन एम्पिसिलिन दिया तो एक्सटेंसिव रैश डेवलप हुआ ऑल ओवर बॉडी में, है ना, तो हॉजकिंग लिम्फोमा ऐसा ही आउट हो गया, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में रैश डेवलप होगा ये उसका फीचर नहीं है, तो ये ऐसा ही आउट हो गया। और कावासाकी डिजीज में जब एम्पिसिलिन का जो साइड इफेक्ट है वो डेवलप होगा डिस्क्यूमिटेशन विथ म्यूकोक्यूटानियस मैनिफेस्टेशन डेवलप होगा, है ना, और एम्पिसिलिन में और स्कारलेट फीवर में जब एम्पिसिलिन हम देंगे ना तो रैश डेवलप नहीं होगा। तो बाकी ऑप्शन कौन सा रह गया, इन्फेक्टिव मोनोन्यूक्लियस में, इसमें एम्पिसिलिन देंगे ना तो एक्सटेंसिव रैश ऑल ओवर बॉडी डेवलप होगा। तो आंसर क्या हुआ, ए। करेक्ट अबाउट इनिशिएटिंग ट्रीटमेंट इन ARDS, कोई कट ऑफ वैल्यू नहीं है ARDS ट्रीटमेंट के लिए, तो नो कट ऑफ CD4 काउंट रिक्वायर टू इनिशिएशन ट्रीटमेंट होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट इन लेट कैथेट्रल स्टेज प्रोटोसिस लिम्फोसाइट।
which of the drug of choice for prophylaxis of meningococcal meningitis in pregnancy? Ceftriaxone. In a diagnosis, lepromatous leprosy patient, the treatment was started after intake drug. A skin lesion and fever developed within few days. Which type of hypersensitivity reaction lead to manifestation? Case kya hai? Leprosy ka hai. Aur leprosy mein kya hota hai? Type 2 lepra reaction. और जो टाइप टू लेप्रा रिएक्शन का जो पैथोजन होता है ना वो क्या कौन सा होता है? टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. तो आंसर कौन सा हुआ? टाइप 3. व्हाट इज द इनक्यूबेशन पीरियड हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस का इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 45 to 180 days. तो आंसर क्या हुआ? सी. हेपेटाइटिस ए का इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 15 to 50 days. हेपेटाइटिस सी का कितना होता है? 14 to 180 days. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन व्हेन एआरटी इज नॉट स्टार्ट? जब एचआईवी इन्फेक्शन में निमोनिया प्रेजेंट रहता है ना, तो एआरटी थेरापी स्टार्ट नहीं करता है. तो कौन सा निमोनिया? बैक्टीरियल निमोनिया. मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर टू मॉनिटर डेंगू हेमोरेजिक फीवर में हेमाटोक्रिट. डेंगू वाला पेशेंट को हेमाटोक्रिट मॉनिटरिंग करना पड़ता है क्योंकि इफ मॉनिटरिंग हेमाटोक्रिट राइज होगा तो क्या डेवलप होगा? डेंगू शॉक सिंड्रोम. हेमाटोक्रिट लो होगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग. एंड इसमें क्या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है. प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इफ प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख हुआ तो. 1 लाख हुआ ना तो. कॉजेटिव एजेंट ऑफ द हैंड फूट एंड माउथ डिजीज इज द कोक्सैकी. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्टिनोमाइसिस के पेनिसिलिन. बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर स्वाइन फ्लू में ओसेल्टेमा भीर. Rickettsia is treated in all ages by which drug? Doxycycline. Empirical antibiotic regimen is suitable community acquired pneumonia is previously health adult. So, empirical antibiotic regimen is suitable community acquired pneumonia में कौन सा होता है? Previously health adult में. तो empirical antibiotic regimen कौन सा? Azithromycin. मैड काउ डिजीज इज ड्यू टू द प्रोटीन मिसफोल्डिंग. स्पूटम स्मियर इज डायग्नोस्टिक इफ स्पूटम में न्यूट्रोफिल मोर देन 25 रहेगा तो न्यूट्रोफिल एंड लेस देन 10 स्क्वामस एपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहेगा तो ये डायग्नोस्टिक रहेगा स्पूटम. तो आंसर क्या हुआ? सी. मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया आर नॉर्मली प्रेजेंट इन नेजोफेरिंग्स में प्रेजेंट रहता है नॉर्मली. क्वाड्रीवैलेंट मेनिंगोकोकल वैक्सीन इज नॉट यूज फॉर सीरोटाइप बी. व्हिच हम एफएमसी सॉल्यूशन का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का एमसीक्यू जो पास्ट एमसीक्यू है वो सॉल्व करेंगे. तो 483 में व्हिच ऑफ दीज हैज नो रोल इन ट्रीटमेंट ऑफ द डेंजरस हाइपरकैलेमिया. आईवी सोडा बाइकार्बोनेट. बिकॉज इफ आईवी सोडा बाइकार्बोनेट देंगे तो हाइपोनेट्रीमिया करवाता है द हाइपरनेट्रीमिया. इसलिए हम ट्रीटमेंट में ये नहीं देंगे. डेंजरस हाइपरकैलेमिया में आईवी सोडा बाइकार्बोनेट नहीं देंगे.
डेंजरस हाइपरकेलिया हाइपरकेलिया मोस्ट इफेक्टिव ड्रॉप कौन होता है? इंसुलिन ड्रिप, इंसुलिन ड्रिप। और इंजेक्टिंग कैल्शियम क्लोराइड को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रहेगा ना, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हाइपरकैलेमिया का रहेगा तभी देंगे। और इसको डाइल्यूट करके देंगे 25% डेस्ट्रोज के साथ। हाई एनायन गैप एसिडोसिस इज सीन ऑल एक्सेप्ट। सो हाई एनायन गैप एसिडोसिस का जो निमोनिक्स होता है ये हम याद रखें, कोल्ट, KULT, कोल्ट। कोल्ट से क्या होगा? कीटो एसिडोसिस। ये चीज सब, ये डिजीज सब में हाई एनायन गैप एसिडोसिस रहता है। यू से यूरिमिया, रेनल फेलियर। यल से हो गया लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस। टी से हो गया टॉक्सिन, जैसे मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग, इथाइल ग्लाइकोल, सेलिसाइक्लेट पॉइजनिंग, है ना। हाई एनायन गैप सीन इन ऑल एक्सेप्ट, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिडोसिस यहाँ पे है, तो ये हाई एनायन गैप में दिखाई देता है। उसके बाद आया टॉक्सिन, टॉक्सिन में पॉइजनिंग, सेलिसाइक्लेट पॉइजनिंग दिखाई देता है। सेलिसाइक्लेट पॉइजनिंग में हाई एनायन गैप दिखाई देता है। उसके बाद यूरेमिया, एक्यूट रेनल रेनल फेलियर में भी हाई एनायन गैप दिखाई देता है, तो डायरिया में नहीं दिखाई देता है। तो डायरिया में एनायन गैप क्या रहता है? नॉर्मल रहता है। सो नॉर्मल एनायन गैप क्या क्या में प्रेजेंट रहता है, इसके लिए हम एक निमोनिक्स रखेंगे, डॉक्टर फ्यूज। डी से हो गया डायरिया, आर से हो गया रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1-4 टाइप। एफ से हो गया फिस्टूला, फिस्टूला में भी है ना। यू से हो गया यूरेट्रोसिग्माइटो ओस्टोमी, यूरेट्रोसिग्माइटोस्टोमी में रहता है। तो नॉर्मल एनायन गैप क्या क्या में रहता है? डायरिया में, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1-4 में, एफ से फिस्टूला, यू से क्या होता है यूरेट्रोसिग्माइटोस्टोमी में रहता है। और एनायन गैप जो है, एनायन गैप जो है सो कम डिक्रीज किस किस में रहता है? मल्टीपल माइलोमा में और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एनायन हाई एनायन गैप के किस किस में प्रेजेंट रहता है, तो हम इसके लिए कोल्ट याद रखें, कीटो एसिडोसिस, यूरिमिया, लैक्टिक एसिडोसिस और टॉक्सिक में, जैसे सेलिसाइक्लेट पॉइजनिंग हो गया, मिथाइल पॉइजनिंग हो गया, है ना। उसके बाद डायरिया आ गया, डायरिया में नॉर्मल एनायन गैप रहता है। नॉर्मल एनायन गैप किस किस में रहता है? डॉक्टर फ्यूज याद रखेंगे, डॉक्टर फ्यूज में डी से डायरिया हो गया, आर से रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1-4 हो गया, एफ से फिस्टूला में भी नॉर्मल एनायन गैप रहता है, यू से होगा यूरेट्रोसिग्माइटोस्टोमी में। अब क्या बोलता है, एनायन गैप रिड्यूस और कम डिक्रीज किस किस में होता है, मतलब लो एनायन गैप किस किस में प्रेजेंट रहता है? मल्टीपल माइलोमा और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। एनायन गैप इज इंक्रीज इन ऑल एक्सेप्ट, अभी हम लोग देखे रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में नॉर्मल एनायन गैप रहता है, तो आंसर क्या हुआ? ए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द ब्लड ऑस्मोलरिटी इंक्रीज? डायरिया में। व्हिच इज द करेक्ट अबाउट अ फीमेल विथ क्रोनिक वॉमिटिंग है, तो वॉमिटिंग के होगा ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लॉस होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लॉस होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लॉस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोरेमिक। तो इसमें से तो दो ऑप्शन ऐसा ही आउट हो गया, हाइपरक्लोरेमिक आउट हो गया, तो ऑप्शन रहा ए और सी। अब ए और सी में से हमको रूल आउट करना है, जब क्रोनिक वोमिटिंग होगा
तो एल्डोस्टेरोन लेवल हाई होगा, एल्डोस्टेरोन लेवल हाई होगा, और एल्डोस्टेरोन लेवल हाई होगा तो यूरिन लॉस होगा, एक्सेसिव यूरिन लॉस होगा, और एक्सेसिव यूरिन लॉस हुआ तो पोटासियम भी लॉस होगा और हाइड्रोजन भी लॉस होगा, तो पोटासियम भी लॉस होगा। पोटासियम लॉस हुआ तो क्या हुआ, हाइपोकैलेमिक, और एच प्लस लॉस हुआ तो क्या हुआ, एसिडोसिस, एसिडोसिस लॉस हुआ। तो यहाँ पे देखिए हाइपोकैलेमिक किस में है, इसमें है हाइपोकैलेमिक हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी एच प्लस लॉस हुआ तो ये लॉ, जब एच प्लस ये लॉस हुआ तो ये एल्कलोसिस हुआ ना, तो ये क्या हुआ, हाइपोकैलेमिक, और एल्कलोसिस हुआ तो एल्कलोसिस, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा ये। तो अब देखिए ए सी में हाइपोकैलेमिक तो हुआ, हाइपोकैलेमिक दोनों में है ना, हाइपोक्लोरेमिक दोनों में है। अब एल्कोलिसिस और एसिडोसिस से हम छुट आएंगे, तो एच प्लस जो लॉस हुआ एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन के कारण लॉस हुआ है ना, इसमें एच प्लस लॉस होता है ना, इसमें एसिड बढ़ जाता है, इसमें इसमें नहीं बढ़ रहा, एसिड इसमें बढ़ जाता है, तो एसिडोसिस नहीं हुआ, या तो घट रहा है ना, तो एल्कोलिसिस हुआ। आंसर कौन सा हुआ, ए, नॉर्मल एनायन गैप का, नॉर्मल एनायन गैप निमोनिस क्या था, डॉक्टर फ्यूज, डी से डायरिया, आर से रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1-4, एफ से हो गया फिस्टूला है ना, और यू से हो गया यूरेट्रो सिग्माइडोस्टोमी है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ, आर टी ए, इंक्रीज एनायन गैप इज सीन इन। देखिए डायरिया में नॉर्मल एनायन गैप रहता है, फिस्टूला में भी नॉर्मल एनायन गैप रहता है, और रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में भी नॉर्मल एनायन गैप रहता है, तो स्टारवेशन में क्या हुआ, इंक्रीज एनायन गैप, और डिक्रीज एनायन गैप किस चीज़ में रहता है, मल्टीपल माइलोमा और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। इन पेशेंट हु हैज अबाउट अ कैजुअलिटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विथ पल्स रेट 108 है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है, व्हिच ऑफ द फ्लूइड इज गिवन, आइडियली नॉर्मल सलाइन, क्योंकि बीपी लो है तो नॉर्मल सलाइन उसमें हम प्रीफर करेंगे। ऑल आर सीन द हाइपोकैलेमिया एक्सेप्ट टॉल टी वेब इन ईसीजी, टॉल टी वेब और वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हाइपरकैलेमिया में दिखाई देता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट विद हाइपर हाइपोकैलेमिक एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डायरिया में, आंसर डायरिया, इसमें लॉस ऑफ पोटासियम होता है ना, तो हाइपोकैलेमिया, इसमें लॉस ऑफ एसिड होता है, हाइपोक्लोरमिक एसिड, लॉस ऑफ एसिड है ना, तो इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। वोमिटिंग के बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए हम कूल्ट निमोनिक्स याद रखेंगे, के से हो गया क्या, कीटो एसिडोसिस, यू से हो गया यूरिमिया, ई से, यल से लैक्टिक एसिडोसिस, टी से टॉक्सिन मतलब पॉइजन, सेलिसाइक्लिक पॉइजन, मिथाइल पॉइजन, सब में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, कीटो एसिडोसिस में भी होता है, लैक्टिक एसिडोसिस में, यूरिमिया में, ये सब में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। सेबोरिक डर्माटाइटिस सेलुलाइटिस एंड एलोपेसिया एंड एपैथी इज सीन इन बायोटिन डिफिशेंसी में, नॉर्मल एनायन गैप इज सीन इन द रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में, डॉक्टर फ्यूज उसका निमोनिक्स याद रखेंगे।
यहाँ भी नॉर्मल एनायन गैप सीन इन द रेनल ट्यूबल एसिडोसिस. वाइडेंड एनायन गैप इज कॉज बाय ऑल एक्सेप्ट, है ना. वाइडेंड के लिए क्या याद रखें, कोल्ट. कोल्ट में कीटो एसिडोसिस, यू से यूरिमिया, यल से हो गया लैक्टिक एसिडोसिस, और टी से टॉक्सिन, मिथाइल पॉइनिन, सेलिसाइक्लेट पॉइनिन. तो ये भी हुआ एक्सेप्ट डायरिया. डायरिया में नॉर्मल एनायन गैप रहता है, और डिक्रीज और लो एनायन गैप किस में प्रेजेंट रहता है, मल्टीपल माइलोमा और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में. हाइपर नैट्रीमिया काउज ऑल एक्सेप्ट, सेंट्रल पोन्टाइन माइलिनोसिस नहीं करवाता है, बाकी सब काउज करवाता है. ब्रेन हेमोरेज भी करवाता है, प्लाज्मा ऑस्मोलिटी भी और सीजर भी. चेवो स्टेक साइन इज एलिकेटेड बाय द फेशियल नर्व स्टिमुलेशन बाय टैपिंग ओवर पैरोटिड. आंसर ए होगा. व्हिच कैन बी गिवन इमीडिएटली इन हेमोरेजिक शॉक. हाइपोटोनिक सलाइन देंगे इमीडिएट इन इफ हेमोरेजिक स्ट्रोक रहेगा तो. 3% हाइपोटोनिक सलाइन गिवन यूजिंग राइज इंट्राक्रैनियल प्रेशर. वोमेन वर्किंग इन हॉट एनवायरनमेंट एंड ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर विदाउट इनटेक साल्ट आर लायबल टू डेवलप हीट क्रैम्प बिकॉज एक्सेसिव स्वेटिंग कॉजेज द हीट क्रैम्प. उसमें भी जो पानी हम पीते हैं उसमें साल्ट इनटेक और सोडियम इनटेक नहीं रहता है, तो आंसर क्या हुआ, हीट क्रैम्प. हाइपोकैल्सिमिया विल नॉट लीड टू द ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस इज इम्बैलेंस बिटवीन ऑस्टियोक्लास्टिक एंड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी. आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट प्रेजेंट विद अ कैजुअलिटी विथ वाइटल स्विंग, बीपी लो है, विथ हार्ट रेट भी लो है, व्हिच काइंड ऑफ शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक. क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है ना, तो उसमें स्पाइनल इंजरी के कारण भी ये हो सकता है, थोरासिक डिस्ट्रॉय भी हो सकता है ना, इसके कारण लो बीपी होगा और हार्ट रेट भी कम होगा, तो उसके लिए न्यूरोजेनिक शॉक उसका उस पेशेंट में, आरटीए पेशेंट में डेवलप होने का ज़्यादा चांस रहता है. फॉलोइंग स्टेट लिस्ट इन प्लाज्मा, लिस्ट इन प्लाज्मा में कौन रहता है, नॉरएपिनेफ्रिन. आंसर डी.